आप एक गणेश मंदिर का निर्माण कीजिए। उसी के बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और ये बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया था। हालांकि इसके बाद कई बार तो अभी ना इतना एग्जॉस्ट हो चुका है, अभी तक हम ना मंदिर पहुंचे, इतने ट्रैफिक में थे, इतना सब कुछ चल रहा था, अभी हम लोग बस अब यहाँ से निकल के अपना मंदिर की साइड पहुँचने ही वाले। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के नज़दीक। हम लोग ने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और आप देखिए एक ख़ास बात, मतलब ये मंदिर जो इतना फेमस है और ये शहर के बीचों बीच एकदम ट्रैफिक भरे एरिया में, मतलब कैसे पॉसिबल है कि आज कोई इतना फेमस मंदिर इतने शहर के बीचों बीच। और कहीं लाइक पुरानी कहानियाँ हैं, मतलब ये मंदिर यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ, कैसे ये यहाँ पर बना एक्चुअली, तो आज मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको सुन के काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो अभी हम लोग ना चलते हैं मंदिर की ओर और फिर मैं आपको सारी बातें बताता हूँ वन बाय वन। तो आप खुद भी सोच के कभी कभी हैरान रहते होंगे कि इस कोई मंदिर का नाम दगड़ू सेठ हलवाई गणेश मंदिर कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे कहानी ये है कि आज से कई साल पहले अराउंड 1890 के आसपास की बात है, मतलब जब एक मतलब व्यापारी था, मिठाई का व्यापारी था, जो कि कलकत्ता से आया था पुणे की ओर और यहाँ पर अपना व्यापार कर रहा था, मतलब मिठाई का व्यापार कर रहा था। बट उस दौरान क्या हुआ था कि फ्लैग करके कोई बीमारी आई थी, ठीक है, फ्लैग करके। तो उस दौरान उसके जो एक पुत्र था उसका निधन हो गया। तो उसने अपने मतलब पंडित से डिस्कशन किया एंड ऑल, तब वहाँ पर उसको पता, उन्होंने कहा कि आप एक गणेश मंदिर का निर्माण कीजिए। तब उसने इस मंदिर का निर्माण किया और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया था। आप देख पा रहे हैं सामने, तो ये जो मंदिर है ये उसी समय से निर्माण, बाकी हाँ इसमें कुछ ना कुछ रिनोवेशन होते रहता है। अभी ये सामने जो वॉल देख रहे हैं पूरी बुलेट प्रूफ वॉल है और ये ग्लास लगा हुआ है बुलेट प्रूफ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो इस तरह से बहुत सारा निर्माण बाद में किया गया है, बट हाँ जो प्रॉपर मेन मंदिर है वो उसी समय का बना हुआ है, अराउंड 1893 के अप्रॉक्स। उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उस हिसाब से ये मंदिर और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत होता गया, ठीक। तो ये कहानी उस समय की है 1893 की, जब उसने बनाया था, जब से इस मंदिर का नाम दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के नाम से फेमस है, उस व्यापारी के नाम से। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जो मूर्ति है गणेश मंदिर, बहुत ही सुंदर मूर्ति है गणेश जी की यहाँ पर जो स्थापित है। अराउंड 7 फीट ऊंची प्रतिमा है, 2 से 3 फीट चौड़ी प्रतिमा है। उनके जो मुकुट है वो पूरा सोने का है, अराउंड 9 kg सोने का मुकुट है, एंड कान उनके पूरे सोने के हैं और उनके आभूषण भी काफ़ी पूरे सोने के आभूषण हैं। आप देखेंगे मंदिर में जो उनके पीछे का बैकग्राउंड और सारी जो चीज़ें हैं सारी सोने की है, और मंदिर में बहुत सारी चीज़ें चांदी के वर्क से बनी हुई है। तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इस मंदिर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और क्राउडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आती है। कोई बहुत बड़ा प्रांगण नहीं है इस मंदिर का, बहुत ही छोटा प्रांगण है, बहुत कम जगह में बना हुआ है, क्योंकि शहर में बना हुआ है बीचों बीच, तो यहाँ पे इनको एक्सपांड करने के लिए भी जगह नहीं है। जैसे सिद्धि विनायक में है वहाँ पर तो फिर भी काफ़ी थोड़ी जगह है कि वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पीछे एक बहुत ही छोटी सी गली है, उससे इनको थोड़ा बहुत अपना चेंज करते रहते हैं, बट आगे तो मेन रोड है, आपने देखा है अभी जस्ट वीडियो में। तो इस तरह से तो ज़्यादा रिनोवेट नहीं कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। अब ये देखिए अभी कितना चांदी का पूरा बना हुआ है मंदिर, आइट साइड से सारा कुछ। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ इस मंदिर के बारे में, लाइक हर साल गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन का जो मतलब गणेश जी के दिन होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत आयोजित किया जाता है यहाँ पर गणेश जी के लिए। और यहाँ पर जो ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है गणेश जी की, इनको मतलब आगे एक स्क्वायर है बहुत काफ़ी बड़ा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्प्रेरी मंदिर बनाया जाता है, काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा, मतलब ठीक है 10 दिन के लिए। तो इस प्रतिमा को यहाँ पर मतलब रथ के द्वारा और बहुत ही साजो सज्जा के साथ इस मूर्ति को यहाँ से उठा करके उस मंदिर में स्थापित किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग आते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है इस मंदिर में उनका आना।
तो इस तरह से बहुत ही, और ये रोड सारी बंद कर दी जाती है, ट्रैफिक यहाँ पे पूरा बंद कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, सिर्फ आप पैदल आ सकते हैं। और यहाँ पे एक मेले की तरह आयोजन होता है, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत खूबसूरत होता है। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आपको एक बार एटलीस्ट ज़रूर आना चाहिए, मतलब पुणे में गणेश जी के आयोजन को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत आयोजन होता है हर साल। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एन्जॉय।